है कि पोलैंड ने रूस के दोस्त बेलारूस की सीमा पर भेजी आर्मी। क्या ऐसा हो सकता है कि पोलैंड और बेलारूस के बीच में जंग भड़क जाए, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। आपको बताएं कि लुकाशेंको के पास भी है रूसी एटम बम। लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, जो व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति ऑफ रूस है ना, को सपोर्ट करते हैं। पोलैंड का कहना है कि बेलारूस के दो हेलीकॉप्टरों ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया है और रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब जंग की आँच में आसपास के देश भी झुलसने वाले हैं। नाटो संगठन के देश पोलैंड की आर्मी ने बेलारूस से सटी अपने देश की पूर्ववर्ती सीमा पर आर्मी को भेजा है। वहीं बेलारूस रूस का करीबी सहयोगी देश है। पोलैंड का कहना है कि बेलारूस के दो हेलीकॉप्टरों ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। इस घटना के बाद तनाव और ज़्यादा बढ़ चुका है। इस तनाव के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बेलारूस पोलैंड में अतिक्रमण कर रहा है। पोलैंड के बॉर्डर पर काफ़ी सारा सैबोटाज हो रहा है। बेलारूस ने हवाई हमले का किया खंडन। बेलारूस का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बेलारूस रूस का काफ़ी करीबी साझेदार माना जाता है और रूस ने हाल ही में बेलारूस को परमाणु बम दिया है। और तानाशाह लुकाशेंको ने कई बार वैगनर विद्रोहियों का नाम लेकर चेतावनी भी दी है। इस बीच बेलारूस की सेना ने इस समय के हवाई अतिक्रमण की घटना का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि पोलैंड अपनी सेना को तैनात करने के कारणों को सही ठहराने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कोई भी देश अपने सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर क्षेत्र में ज़्यादा ट्रूप्स नहीं तैनात कर सकता। इससे पहले बेलारूस ने तानाशाह के पोलैंड पर तंज कसा था और कहा था कि रूस के वैगनर लड़ाके पोलैंड की सीमा के पास मौजूद हैं। इसके बाद पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह अतिरिक्त सैनिक और संसाधन भेज रहा है, जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। बेलारूस में रूस ने भेजे एटम बम, ये तो पुरानी घटना है। पोलैंड ने यह भी कहा कि उसने नाटो को भी इस सीमा उल्लंघन के बारे में बता दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है। साथ बेलारूस के राजदूत को तलब करके स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। पोलैंड की सेना ने शुरू में किसी सीमा उल्लंघन का खंडन किया था, लेकिन बाद में विचार विमर्श के बाद माना कि यह घुसपैठ बहुत कम ऊंचाई से हुई थी, इस वजह से उसे रडार के जरिए पकड़ा नहीं जा सका। इस मामले पर बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने लिखा कि पोलैंड ने घटना के बारे में अपनी राय को संभवतः पॉसिबल है कि अपने विदेशी स्वामियों के साथ सलाह के बाद बदल दिया। बेलारूस की सीमा के पास रह रहे पोलैंड के लोगों ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस ने रूस को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए करने दिया है। हालांकि तानाशाह लुकाशेंको ने अपने सैनिक यूक्रेन की जंग में नहीं उतारे हैं, लेकिन पोलैंड और बेलारूस के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। पिछले सप्ताह ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी दी थी कि अगर कोई भी हमला बेलारूस पर होता है तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। जय हिंद, जय भारत।